तो नमस्कार दोस्तों। तो फाइनली अब हम यहाँ से मीनिंग की रुद्रप्रयाग से निकल रहे हैं बद्रीनाथ की तरफ। हमारे उस्ताद भी आ चुके हैं। उस्ताद भी हाय कर दो यार। तो बद्रीनाथ धाम विष्णु जी का धाम है। इसे 8वीं सदी में शंकराचार्य जी ने पुनर्स्थापित करा था और ये मंदिर अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। बद्रीनाथ धाम को विष्णु जी का दूसरा बैकुंठ माना जाता है। एक क्षीर सागर जहाँ विष्णु जी निवास करते हैं और दूसरा बद्रीनाथ धाम जहाँ विष्णु जी ने तपस्या करी थी। अभी हम हैं नंदप्रयाग। राजा 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 करेजा में समझा भोजपुरी गाने का कंपोज करने जा रहे हैं हमारे धैर्य डार्लिंग। तो जरा ध्यान से सुने। तो हम अभी बद्रीनाथ की तरफ जा रहे हैं और करीब 30-40 किलोमीटर भी बचा है बद्रीनाथ। और ये देखिए भाई लाइन, आगे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है क्योंकि शायद बारिश हुई थी कुछ दिन पहले तो रास्ते खराब हो गए हैं। हमको एक सवाल याद आया गाइस, बोले कि अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़। गाइज अगर हम जाम में फंसे हुए हो और हमारे आगे 1 किलोमीटर का जाम हो तो क्या हम एंजॉय कर रहे हैं गाइज? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भैया ने बताया कि यहाँ पे ये जो रास्ता है ये रास्ता पैदल का रास्ता है और ये जोशीमठ के नीचे से बद्रीनाथ जाता है। भाई दिल भी खुश मिजाज है ये रास्ते अनजान झोंके हवा के मुझसे करने आते बातें वादियों से रोशनी निकलती होती शाम कहता हूँ फिजाओं से तू है जुनून कुछ तो इनमें बात ऐसी मिलता है सुकून बादलों के साथ में मैं कर रहा हूँ डांस। तो नमस्कार गाइस, वी आर विथ आवर स्पेक्टिकल्स एंड जोशीमठ जगह है और ऑली यहाँ से 14 किलोमीटर भाई साहब और हम आए हुए हैं भाई यहाँ पे कॉफी पीने। बहुत ज्यादा जाम है बद्रीनाथ आने के लिए, काफी ज्यादा दर्शनार्थी आ चुके हैं भाई। उनको पता चल गया कि सूरज पांडे भी आए हुए हैं तो मतलब काफी भीड़ हो गई है। मुझे पहले आने रहते हो जैसे उनको पता चला सूरज आ रहा है भाई एकदम आगे प्लान बनाया सब लोग ऐसे ऑटोग्राफ ले रहे ना मतलब ऐसे कर, अबे निकल, अबे निकल, चल, ऐसे कर रहे भाई लोग ऐसे मतलब ऐसे रिस्पेक्ट दे रहे हैं लोग कुछ भी आर्मी वाले हैं थोड़ी देर में जाम लोग उड़ के जाएंगे इनके पास पावर है ना बाबा भी जाम लगा हुआ है इधर और इधर भी जाम और टाइम हो चला है 5:50। भाई लो देख लो ये रास्ता सुल्तान के नीचे नीचे पानी है, नीचे पानी है भाई। तो आफ्टर 8.5 hours ऑफ ट्रेवल तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं। तो बेसिकली एक जरूरी इन्फॉर्मेशन देना था कि अगर आप बद्रीनाथ आ रहे हैं तो आप मॉर्निंग में निकले और यहाँ पे आप पहुंच जाए। अदरवाइज यहाँ पे 2-3 चीजें हैं जो कि थोड़ा डिफिकल्ट है, रिसोर्सेज की कमी है रहने का और सेकेंडली रूट का। तो रूट में बहुत ज्यादा ट्रैफिक और 5-6 घंटे के रास्ते को 9, 10, 12, 14 घंटे भी हो सकते हैं। तो आई रिकमेंड कि अगर आप बद्रीनाथ आ रहे हैं तो आप मॉर्निंग में निकले ऋषिकेश हरिद्वार जहां से भी आ रहे हैं आप, आपको आराम से रूम भी मिल जाएगा क्योंकि आज हमने देखा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउड है और यहाँ पे कई लोगों को होटल रूम नहीं मिला तो वो नीचे जोशीमठ जाके स्टे कर रहे हैं वो। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है day 2 इन बद्रीनाथ और दोस्तों हम उठ चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं तप्त कुंड जा रहे हैं। बहुत ही वहाँ का गर्म पानी होता है। हम अभी नर पर्वत पे हैं, नारायण पर्वत पर हमारे बद्रीनाथ जी का मंदिर है। बद्रीनाथ मंदिर नर और नारायण पर्वत के बीच में बसा है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के 2 अंश नर और नारायण ने यहाँ तपस्या की थी, जो अगले जन्म में नर अर्जुन का रूप लिए और नारायण श्री कृष्ण जी का। तो गाइस पीछे वाला जो आपको घर दिख रहा है ये अंबानी लोग का है, बेसिकली अनिल अंबानी का देख सकते हैं। मुकेश अंबानी का भी उधर है। अच्छा मुकेश अंबानी का आगे है पहला व्यू नीलकंठ जी का। ये नीलकंठ पर्वत है और इस पे आज तक कोई चढ़ नहीं पाया भाई। पहली बार नारद जी की मूर्ति देखा हूँ भाई। उस तरफ है नारायण पर्वत, इस तरफ है नर पर्वत। अगर आपको दिख रहा हो ये जो हिस्सा, ये शेषनाग जैसा मतलब फील दे रहा है ऐसा बोलते हैं लोग। ये रहे बद्री विशाल जी का मंदिर। ये पूरी भीड़ देखे भाई, क्राउड ही क्राउड है भाई, लाइन से पूरा क्राउड है। और ये रही अलकनंदा, नारायण पर्वत, बद्री विशाल और हम चलते हैं इसी ब्रिज को पार करना होगा हमें। ये दो नौजवान अपने नाने जा रहे कुंड में और यहाँ से इंटेक है पानी का जो गर्म पानी आती है और ये भाई पूरा गर्म पानी भाई गर्म पानी। तो अब चलते हैं हम लोग और यहाँ ऊपर मंदिर है। तो बद्रीनाथ का नाम बद्रीनाथ क्यों पड़ा इसके पीछे भी एक रोचक कथा है।
जब भगवान विष्णु योग ध्यान मुद्रा में तपस्या में लीन थे तो बहुत अधिक बर्फबारी होने लगा। भगवान विष्णु हिम में पूरी तरह डूब चुके थे। उनकी इस दशा को देखकर माता लक्ष्मी को रहा नहीं गया और वो स्वयं भगवान विष्णु के समीप खड़े होकर एक बेर बद्री के वृक्ष का रूप ले लिया और समस्त हिम को अपने ऊपर सहने लगी। कई वर्षों बाद जब भगवान विष्णु ने अपना तप पूर्ण किया तो देखा कि लक्ष्मी जी हिम से ढकी पड़ी हैं। तो उन्होंने माता लक्ष्मी के तप को देखकर कहा कि क्योंकि तुमने मेरी रक्षा बद्री वृक्ष के रूप में किया है सो आज से मुझे बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। ये है पुल, ये अलकनंदा नदी, इधर है नर पर्वत और इधर है नारायण पर्वत। और भाई क्या खूबसूरत है यार, साहब यार, ये रहे हमारे बद्रीनाथ जी। तो बद्रीनाथ धाम में शंख ना बजाने की कथा बहुत प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि ऋषि अगस्त्य ने कुष्मांडा देवी को राक्षसों का वध करने के लिए पुकारा था, तभी अतापी और वतापी वहां से भाग गए। अतापी मंदाकिनी नदी में जाके छुप गया और वतापी बद्रीनाथ धाम के शंख में जाके छुप गया, इसलिए वहां पे शंख ना बजाने की प्रथा चलती आ रही है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं। ये अंदर का पार्ट, इसका जो अंदर का पार्ट है पहाड़ के अंदर है। अच्छा, ये जो पूरा बनाया है दादाजी के पापा ने बनाया। तो अब हम लोग निकल रहे हैं माना गांव। उस भी लास्ट गांव है ना वो? जी जी जी। हाँ, तो माना गांव जो है ऑफिशियली लास्ट गांव है हमारे इंडिया का, उसके बाद वहां से चाइना स्टार्ट हो जाता है। वंदे विष्णु भव भयहरं सर्वलोकैकनाथं